जानते हैं कि बहुत सारी जो बोर्ड है उसकी रिजल्ट आउट हो चुकी है। लाइक दैट अगर बिहार बोर्ड की बात करो तो इसके रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो अब सीबीएसई बोर्ड की बारी है। तो गाइस आपकी जो अप्रैल और मई में क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड रिजल्ट है वो भी आउट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा, जब आपके रिजल्ट आउट होंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, तो उस मार्क्स से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार की स्टडी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखिए, जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो रिजल्ट आउट होने की वेट रहती है। जैसे ही रिजल्ट आउट होती है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छे बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था, बहुत अच्छे से आंसर हमने लिखा था, कम्प्लीट किया था और स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं की थी, जैसा पूछा गया था क्वेश्चन हमने वैसे ही आंसर लिखा था, फिर भी इतने मार्क्स कम कैसे आए। तो गाइस, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट ना हो तो आप एक काम कर सकते हो। वो क्या काम है तो चलिए इस वीडियो में बताती हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो गाइस देखिए, होता क्या है कि जैसे ही, अगर मान लीजिए गाइस कि अगर आपका एक दो सब्जेक्ट में आप बैक है तो आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस उसी ईयर में होता है जिस ईयर में आपने 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस दिया है, राइट। तो ये इसके अलावा और भी इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने चैनल पर दे दिया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गाइस कि आपके नंबर बहुत कम आए हैं, सभी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आया है, तो आपको लगता है कि मुझे मेरा नंबर और बढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशंस दिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं गाइस, अपनी कॉपी को रिचेक में डाल सकते हैं, यानी स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हो। गाइस इसमें क्या होता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी कॉपी रिचेक में जाती है, फिर से आपका कॉपी जो है वो चेक किया जाता है अच्छे से, और जो भी त्रुटियाँ होती है यानी गलत होता है, मिस्टेक होता है, उसको सही करके आपका नंबर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, अगर आपने सही सही आंसर सभी दिए हैं तो। इस तरह से आपके जो है कुछ नंबर बढ़ जाते हैं। तो अगर आप जो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस आपने दिया और आपका अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप कॉपी रिचेक में डालकर अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है अपने नंबर को बढ़ाने का। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते फ्रेंड्स चले गया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।